नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। यूपी के परिषदीय स्कूलों में नौकरी कर रहे फर्जी शिक्षकों के खुलासे के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। कई जिलों में फर्जी शिक्षक नौकरी छोड़कर भाग गए हैं। जांच की डर से शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। फर्जी दस्तावेजों से हासिल की थी नौकरी, जिसके बाद से जांच के बाद हड़कंप मचा है। शिक्षकों में नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं फर्जी शिक्षक। बता दें आपको कि एसटीएफ ने हाल ही में ऐसे 336 फर्जी शिक्षकों का खुलासा किया था, जो फर्जी अंक पत्रों और दस्तावेजों के सहारे नौकरी कर रहे थे। और ये पूरा मामला मेरिट के आधार पर हुई भर्तियों से जुड़ा है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि फर्जी मार्कशीट लगाकर शिक्षा विभाग के अफसरों से मिलीभगत कर ये भर्तियां कराई गई थी। बता दें आपको कि पूरे मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अनुमान यह है कि ऐसे फर्जी शिक्षकों की संख्या हजारों में है। योगी सरकार ने 2010 के बाद से हुई सारी ऐसी भर्तियों की जांच के आदेश दे रखे हैं। बता दें आपको कि लगातार फर्जी शिक्षक नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। हड़कंप मचा हुआ है शिक्षकों में। योगी सरकार की जांच लगातार जारी है। बता दें आपको कि एसटीएफ ने हाल ही में ऐसे 336 परिषदीय शिक्षकों को खुलासा किया था, जो फर्जी अंक पत्रों और दस्तावेजों के सहारे नौकरी कर रहे थे। वहीं आए दिन इस पूरे मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के अफसरों से मिलीभगत कर ये भर्तियां कराई गई थी, जिनके खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है और फर्जी शिक्षक कई जिलों में नौकरी छोड़कर भाग गए हैं। बता दें आपको कि ऐसे फर्जी शिक्षकों की संख्या हजारों में है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। 2010 के बाद से हुई सारी ऐसी भर्तियों के जांच के आदेश योगी सरकार ने दे रखे हैं। एसटीएफ पूरे मामले की जांच में जुटी है। 300 से ज्यादा शिक्षकों के फर्जी पाए जाने के बाद से अब कई जिलों में फर्जी शिक्षक जांच की डर से नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उमेश मिश्रा हमारे सहयोगी लखनऊ से तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, जो फर्जी शिक्षक की भर्ती का पूरा मामला सामने आया है, उसमें अब यह खबर सामने आ रही है कि कई शिक्षक जांच के डर से भाग रहे हैं। वहीं एसटीएफ ने 300 से ज्यादा फर्जी शिक्षकों का खुलासा किया था, जिसके बाद से लगातार शिक्षक जो है कई जिलों में नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। उमेश अदिति, देखिए इस मामले की पूरी एसटीएफ जांच कर रही थी। शिक्षक जो फर्जी शिक्षक वहां पे नियुक्त हो गए थे, तमाम मामले को लेकर एसटीएफ को यह पूरे मामले की शासन से जांच मिली थी और एसटीएफ इसमें जांच कर रही थी। यही वजह है कि आप देखिए जिस तरह से एसटीएफ ने 350 के आसपास जो शिक्षक है फर्जी शिक्षकों का खुलासा किया है। साथ ही साथ ऐसे तमाम और भी शिक्षक हैं जिनकी जांच पड़ताल हो रही है और तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो भाग रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं। उनकी कहीं ना कहीं अभी भी जो एसटीएफ की पैनी नजर है उससे वो बच भी नहीं पाएंगे। लगातार इसकी छानबीन एसटीएफ कर रही है। आप देखिए कि जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी और कितना बड़ा फर्जीवाड़ा यह शिक्षा विभाग में निकल कर आया है कि फर्जी डिग्री के सहारे तमाम जो शिक्षक है वो वेतन ले रहे थे, तमाम जगह नियुक्तियां थी, तमाम जगह से लाभ ले रहे थे। तो ऐसे में अब कार्रवाई तो होगी ही होगी, लेकिन आप सोचिए कि इतना बड़ा किस तरह से अंजाम दिया गया फर्जीवाड़े को और उसके बाद सरकार ने इसको संज्ञान में लेकर एसटीएफ को जांच सौंपी थी, तब जाके पूरा मामला निकल कर आया कि आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। और जिसमें इस तरह के अब एसटीएफ की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, जो जांच में उनको मिला है, आप देखिए किस तरह से शिक्षकों की जो संख्या है, लगातार जो फर्जी शिक्षक है भर्ती है उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जी उमेश, देखिए हजारों शिक्षकों की भर्ती फर्जी तरीके से की गई, क्या लगता है इसमें क्या कुछ बड़े नाम भी आ सकते हैं पूरी जांच के बाद एसटीएफ की, और क्या कुछ अधिकारियों के नाम सामने आए हैं इस पूरे मामले को लेकर जिन्होंने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है? उमेश देखिए अदिति, बिल्कुल इसमें जो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनकी भी गर्दन फंसेगी, क्योंकि आखिर जो जिम्मेदार अफसर थे उनके उन्होंने क्यों नहीं इस चीज की पूरी ताकीद की, पूरी जांच की कि आखिर कैसे भर्ती हो गई।
भर्ती की है, पूरी मानक होती है, वो पारदर्शी तरीके से भर्ती की जाती है। तो आखिर तमाम ऐसे अधिकारी भी है जिनका खुलासा तो अभी एसटीएफ ने नहीं किया है, लेकिन बड़े लोग हैं जिनका खुलासा भी एसटीएफ करेगी, उनकी भी गर्दन फंसेगी, क्योंकि अगर जिम्मेदार जो जो अधिकारी रहे हैं उनके यहाँ लापरवाही हुई है तो पूरे मामले में एसटीएफ उनका भी खुलासा करेगी, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। और लगातार तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिन पे प्रश्न चिन्ह लग भी रहे थे, और एसटीएफ के जो अधिकारी हैं लगातार तमाम अधिकारियों से, जो शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं जी। उमेश, लेकिन देखिए, क्योंकि 2010 का ये पूरा मामला है, 2010 में भर्ती हुई फर्जी तरीके से, और अब तक किसी की नजर इस पूरे मामले पर नहीं पड़ती है। फर्जी शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये शिक्षा व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की, उस पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर रही है। क्या इस तरीके से पढ़ाई होगी उमेश? देखिए, यही वजह है कि सरकार ने कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर गंभीर हुई, और गंभीर होने की यही वजह है कि आप देखिए जिस तरह से इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच एसटीएफ को सौंपी गई, उसके बाद इसके दर परत खुलती गई, तमाम शिक्षक खुलासा किया गया किस तरह से फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करके वो नौकरी कर रहे थे, वेतन ले रहे थे। आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरह की वो शिक्षा देते, अगर टीचर थे वो लगातार सेवा दे रहे थे, तमाम सेवाओं का लाभ ले रहे थे, सरकारी तंत्र का लाभ ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसमें जो अधिकारी है उनकी भी भूमिका की जांच होगी, ताकि उनकी क्या भूमिका रही है और कैसे इतने बड़े फर्जीवाड़े की जो पूरा मानक था उसको कैसे ये लोग पूरा कर पाए, कैसे इसमें एंट्री पाए, किस तरह की जवाबदेही तय थी अधिकारियों की कि वो उस चीज को नहीं देख पाए, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया उनके सामने, उसके बाद ये सब मामले निकल कर अब आ रहे हैं जी। उमेश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।